सबसे पहले लगाने वाला एरिया को पानी या फेस वॉश की मदद से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। दोस्तों, इस जेल को लगाते दौरान स्किन में ज्यादा रगड़ना नहीं है। ओपन वंड्स में इस जेल की इस्तेमाल ना करें और स्किन की एक लेयर निकल जाना इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ क्लियर जेल के बारे में। हिग्रे एंड हिग्रे फार्मास्यूटिकल द्वारा इसे बनाया जाता है। दोस्तों, क्लियर जेल एक टॉपिकल एंटीबायोटिक जेल है। इसे मुख्य रूप से एक्ने और पिंपल्स होने पर दिया जाता है। दोस्तों, क्लियर जेल किस तरह से काम करते हैं, इसे दिन में कितने बार लगाना चाहिए, क्लियर जेल को लेते दौरान क्या क्या सावधानियां लेना है और इसकी क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, यही सब बातें मैं शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करता हूँ एक छोटा इंट्रो के बाद। दोस्तों, अगर बात करें क्लियर जेल की कंटेंट्स की, तो इसमें रहता है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो 1% क्लिंडामाइसिन की बराबर होता है। दोस्तों, क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक क्लास की दवा है। क्लिंडामाइसिन एक्ने और पिंपल्स कजिंग बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, जिसके वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाते हैं और फाइनली बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, क्लियर जेल को एक्ने और पिंपल्स यानी मुहासे को ठीक करने के लिए दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्लियर जेल को किस तरह से लगाना है उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले लगाने वाला एरिया को पानी या फेस वॉश की मदद से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद उस एरिया को क्लीन तावेल या टिश्यू से ड्राई करना है। फिर स्किन ड्राई होने के बाद क्लियर जेल को अपनी उंगली में लेना है और इन्फेक्टेड एरिया में लगाना है। दोस्तों, इस जेल को लगाते दौरान स्किन में ज्यादा रगड़ना नहीं है, जस्ट इस जेल की एक पतली लेयर स्किन के ऊपर होना चाहिए। नॉर्मली इस जेल को दिन में 2 बार लगाने को दिया जाता है। दोस्तों, इस जेल को कितने दिन तक लगाना है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है उसके ऊपर। प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर इस जेल को प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, इस जेल को कभी भी खुद से ना ले। मेरा कोई भी वीडियो सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। कभी भी किसी भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर करें और डॉक्टर आपको जो डोज रिकमेंड करे उसी डोज को ही फॉलो करें। अगर बात करें क्लियर जेल की MRP की, तो इसकी 20 ग्राम की ट्यूब आपको 180 रुपीस में किसी भी केमिस्ट शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं क्लियर जेल की प्रिकॉशंस के बारे में। मगर इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। ऐसा करने से मैं आगे जितना भी वीडियोस अपलोड करते जाऊँगा उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। अगर बात करें क्लियर जेल की प्रिकॉशंस की, तो इस जेल को हमेशा एक्सटर्नली अप्लाई करें। ओपन वंड्स में इस जेल की इस्तेमाल ना करें। इस जेल को इस्तेमाल करते दौरान इस बात का ध्यान जरूर दें कि यह जेल आँख, नाक और मुंह के अंदर ना घुस पाए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान क्लियर जेल सेफ है, मगर फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर करें। अगर बात करें क्लियर जेल की साइड इफेक्ट्स की, तो बहुत कम लोगों में ही इसकी साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे स्किन में खुजली होना, जलन होना, स्किन ड्राई पड़ जाना और स्किन की एक लेयर निकल जाना, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस जेल को लगाने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली या जलन होते हैं तो तुरंत इसे लगाना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। दोस्तों, क्लियर जेल की यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको किसी दूसरी मेडिसिन की रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय।